नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज। मैं हूं स्वाति सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए निवेश आमंत्रित करना सम्मेलन का है मुख्य उद्देश्य। राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हुई स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। कई रास्ते रहेंगे बंद, आम जनता को हो सकती है परेशानी। पुलिस ने कई रूट को किया डायवर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों ने किया बीजेपी नेता जसबीर सिंह पर ग्रेनेड से हमला। ग्रेनेड हमले में 4 साल के बच्चे की मौत। पैफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत। कहा स्वस्थ भारत बनाने का ले संकल्प। देश में 75 जगहों पर हो रही है आयोजित। पश्चिम बंगाल को आज मिलेगी कोरोना के बीच राहत। आज से थिएटर मल्टीप्लेक्स फिर से खुलेंगे। कोविड प्रतिबंधों में दी गई है ढील। सीएम ममता बनर्जी ने अभी भी लोगों से सतर्क रहने की है अपील। तालिबान ने किया अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जे का दावा। ट्विटर से ऑडियो साझा कर किया दावा। तालिबान ने एक हफ्ते में अफगानिस्तान के 34 प्रांतीय राजधानियों में से 11 पर किया अपना नियंत्रण। तालिबान को अफगान सरकार ने दिया हिस्सेदारी का ऑफर। तालिबानियों को सत्ता में साझेदार बनाने के लिए राजी अफगान सरकार। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के बीच भारत ने नागरिकों से अफगानिस्तान छोड़ने को कहा। भारत ने अपने लोगों से कहा अफगानिस्तान छोड़ने की करें तैयारी। इसके लिए दूतावास की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लें। भारत ने जल्द युद्ध विराम की उम्मीद जताई। अफगानिस्तान में अपने दूतावास के कर्मचारियों की वापसी के लिए 3,000 सैनिक भेजेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार ने दी जानकारी। अगले 24 से 48 घंटों में काबुल हवाई अड्डे पर 3 पैदल सेना बटालियनों को ट्रांसफर किया जाएगा। ब्रिटेन भी कर रहा है सेना भेजने की तैयारी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन रहा भारत के नाम। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 6ठा शतक जड़ा। केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी 1992 के बाद भारत की तरफ से लॉर्ड्स में पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करने वाली पहली जोड़ी। पेटीएम के आईपीओ के ब्रेकर बने कंपनी के 71 वर्षीय पूर्व डायरेक्टर अशोक कुमार सक्सेना। अशोक ने कंपनी का को फाउंडर होने का किया दावा। कहा वो कंपनी के को फाउंडर हैं। 2 दशक पहले उन्होंने कंपनी में $27,500 किया था निवेश, लेकिन उन्हें कभी कंपनी में शेयर नहीं मिला।